नमस्कार, Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 273। आज हमारे साथ हैं श्रीमान बनवारी लाल जी पांडे, जो कि वर्तमान में सदस्य हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और वर्तमान में महामंत्री भी हैं जिला कांग्रेस कमेटी सीकर से, और पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं शहर कांग्रेस कमेटी लक्ष्मणगढ़ से, और इनकी धर्मपत्नी हैं वो पूर्व पार्षद रही हैं वार्ड नंबर 25 से। तो लंबा राजनीतिक करियर रहा है और काफ़ी अनुभवी आदमी हैं। साक्षात्कार के समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसे कि मुंबई में शुरुआत करता हूँ पारिवारिक परिचय से, बताएं परिवार में फिलहाल कौन कौन है? परिवार में मेरी एक पुत्री है, चार पुत्र है जी, और मेरी धर्मपत्नी शिक्षित है, पूरा परिवार मेरा शिक्षित है जी, और सभी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो धर्मपत्नी का क्या नाम है? शांति देवी पांडे। और संतान का नाम क्रम से? नंबर एक मेरा बड़ा बड़ा पुत्र है, उसका नाम है राजकुमार पांडे। दो नंबर मेरा पुत्र है, वो मनोज कुमार पांडे है जी। और तीन नंबर पुत्र है वो राकेश पांडे है और चार नंबर पुत्र है वो मुकेश पांडे। मुकेश पांडे। मेरी पुत्री है, उसका नाम है उमा पांडे जी। तो आपका ससुराल कौन सी जगह है? मेरा ससुराल है चूरू। चूरू। और ननिहाल? ननिहाल मेरा लक्ष्मणगढ़ है। तो माता पिता क्या नाम है? मेरी माँ का नाम है शांति देवी पांडे और मेरे पिता का नाम है मालचंद पांडे। और दादा दादी का नाम याद? दादाजी का नाम है शेरा राम जी पांडे और दादी का नाम है वो रत्ना देवी है। तो अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि? मैं डबल एम में हूँ जी, इतिहास में और हिंदी में। अच्छा, अच्छी बात है। तो पढ़ते समय प्रिय गुरु जी? मेरे गुरु आदर्श गुरु रहे परमेश्वर लाल जी शर्मा, जो कॉमर्स के व्याख्याता रहे उस वक्त, और मैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए और मेरी मंजिल। प्रिय दोस्त? मेरे प्रिय दोस्त हैं रामचंद्र जी कनाड़िया, जो चूरू में शिक्षक नेता रहे और मेरे आदर्श के रूप में माने गए जी। तो कुछ पसंद नापसंद पूछ लेते हैं, तो साहित्य में रुचि रही है? मैं साहित्यिक प्रवृत्ति में हमेशा अपने शिक्षकों के माध्यम से रुचि कर रहा जी। जी, तो किसको ज्यादा पसंद किया? मैंने कविवर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को अपना आदर्श माना जी, और उन्हीं के अनुसरण के अनुसार मैंने काम किया। तो फिल्मों में रुचि रही है? क्योंकि आधुनिक जमाना है। अधिक रुचि नहीं रही मेरी, मैंने फिल्में देखी थी अपने बचपन काल में और मुगल आजम फिल्म मेरी सबसे अच्छी। तो पसंदीदा नायक? पसंदीदा फिल्म नायक? नायक राज कपूर। और नायिका? नायिका की ओर मन। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब खेल में रुचि रही है आपकी? मैं फुटबॉल का खिलाड़ी रहा अपने विद्यार्थी काल में जी, जी, जी। और मैं उस जब हम खेला करते थे उस वक्त ग्राउंड नहीं थे, कच्चे ग्राउंड थे और जूते पहने बिना ही हम खेलते। सुख सुविधा थोड़ा सा अभाव ही रहता था ना। हाँ, आजकल तो पैसे खूब है। अब तो खूब पैसे है, अब तो खूब साधन है जी, जी। मेहनत कम करते हैं लेकिन? मेहनत तो अब जनरेशन है जो आप जानते हो कैसी मेहनत करते हैं आज की, वो तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तकनीक। अच्छा, तो भ्रमण किया है? भ्रमण मैंने राजस्थान के अलावा दक्षिण में किया है और सेवानिवृत्ति के बाद मेरी भ्रमण यात्रा रही, वो जी रही जी। सब आध्यात्मिक। तो राजस्थान को छोड़कर कौन सी जगह अच्छी लगी आपको? मुझे रामेश्वरम धाम जो है वो सबसे बड़ी। कोई ऐसी जगह छुटकी हो जहाँ आप जाना चाहें? मैंने कामाख्या देवी के दर्शन अभी तक नहीं किए, मेरी लालसा है। अच्छा, तो अब आते हैं आजीविका पर। तो आजीविका उपार्जन के लिए क्या किया आपने? मैं शुरू में 1963 में मैंने हायर सेकेंडरी करके और फिर अपना अध्ययन बीच में रोक दिया था और मैंने निजी नौकरी की, लेकिन वहाँ मेरा रुचिकर विषय नहीं मिला और मैंने वो नौकरी छोड़ करके फिर मैं वापस अध्ययन की ओर अग्रसर हुआ और फिर मैंने राज्य सरकार की सेवा में और सेवा की। अच्छा, तो इस दौरान आप कर्मचारी नेता भी रहे, जेल में भी गए? जेल में गया, हर आंदोलन में जेल में गया था। दाल रोटी कैसी थी वहाँ? ठीक थी? दाल रोटी जेल में कैसी मिलती है? मैं बी क्लास मिली रेशमा जब लागू हुआ उस जेल में रहा मैं 47 दिन तक, लेकिन सरकारी सुविधा जो है वो तो है ही। जी 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 जी। तो वहाँ जेल में जैसे ऐसे जेल भरो आंदोलन था, उसमें कुछ कुटते पीटते दराते धमकाते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो कर्मचारी राजनीतिक आंदोलन थे वो तो। अच्छा, तो उससे कोई आपराधिक तो था नहीं? ना ना, कोई आपराधिक वातावरण नहीं था, सब कर्मचारियों का मामला था। तो आप बताएं राजनीतिक अब करियर के बारे में कि कहाँ से शुरुआत हुई, किससे आप प्रेरित रहे, कांग्रेस पार्टी क्या बात आपको अच्छी लगी? राज्य सेवा से निवृत्त होकर के 2003 में जब मैं लक्ष्मणगढ़ आया, राज्य सेवा में क्या क्या? मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुआ, मैंने सेवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और 2003 में मैं लक्ष्मणगढ़ आया। उसके बाद यहाँ के मित्रों ने मुझे कांग्रेस की ओर प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि आप ही दायित्व संभालो शहर का। यहाँ कांग्रेस की स्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी कि शहर में कोई सक्रिय कार्यकर्ता हो,
मैंने कहा एक महीने का मुझे अवसर दीजिए आप, उसके बाद मैं इस पर निर्णय कर पाऊंगा। क्या सीताराम केसरी जी के टाइम का उस वो तो नहीं नहीं, नहीं उसके बाद की बात है। हाँ उसके बहुत बाद की बात है। सीताराम जी केसरी तो मैं जब सर्विस में था तब। अच्छा तो कांग्रेस की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? मुझे कांग्रेस का संगठन और संगठनात्मक स्थिति के बारे में मैं ज्यादा प्रभावित रहा जी जी। और अशोक जी गहलोत उस वक्त यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मिलनसार रहे। चौधरी नारायण सिंह जी मेरे विशेष वो आदर्श रहे सीकर जिले में, और मैं उनसे प्रेरित होकर के और मैं शहर अध्यक्ष जी जी। तो जैसे वर्तमान में आप राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, तो आपकी क्या भूमिका क्या दायित्व है वहाँ? प्रदेश स्तर पर मुझे पहली बार है यहाँ के स्थानीय विधायक का सानिध्य मिला शुरू से ही जी जी। और उनके माध्यम से मुझे प्रदेश में संगठन के स्तर पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य पहली बार नॉमिनेट किया गया जी जी। और मैं इसी अक्टूबर माह में नॉमिनेट हुआ हूँ, और अब उसके बाद एक मीटिंग हुई है 10 अक्टूबर को, उसके बाद जो भी गतिविधियाँ होंगी देखेंगे। तो जैसे कि आपने विधायक जी कहा था, तो डोटासरा जी का ऐसी क्या बात है कि लोग उनको दोबारा वोट दें वर्तमान में? डोटासरा जी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में जब से विधायक बने हैं जी जी, वो बहुत सक्रिय और जुझारू हैं, अथक प्रयास किया, अथक प्रयास करते रहते हैं, सदैव संवेदनशील विचारधारा के व्यक्ति होने के कारण से आम आदमी से उनका जुड़ाव रहने का प्रयास, कोई भी मिल सकता उनसे। हाँ वो बिना किसी लगाव के, बिना किसी मध्यस्थता के हर व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए वो सदैव सक्रिय रहे। आपकी हिंदी बड़ी ही जैसे लगता है कि सचमुच में ही, मैं ऐसा नहीं कि भाई टिपंत्री वाले, सचमुच में मेहनत से की है, बड़ी सुंदर और शैली जो बड़ी प्रशंसनीय है। तो अब ये बताएं कि ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है, अब जैसे कि वर्तमान में बीजेपी एक पार्टी बन गई है, वन मैन आर्मी वाली सी बात है, उसमें किसको हटाना किसको लगाना सब आपको पता है किसके हाथ में है। बीजेपी का वर्तमान में जो चल रहा है वो वन मैन शो है जी जी। वह केवल केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तानाशाह कह सकते हैं इसे, दूसरा शब्द ये सीधा 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 यदि आप कहे, और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सीधी सीधी तानाशाही प्रवृत्ति है, और ये केवल केवल अपना निर्णय करते हैं, जैसा कि लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी, उनको भी दरकिनार करके और ये तानाशाही की जा रही है जी जी जी। एकमात्र जो प्रयास है वो ये, इन्हें ये नहीं पता कि जिस अनाथालय आश्रम का निर्माण आपने किया, एक दिन आपको भी वहां जाना मोदी जी को, फिर एक दिन आपको भी मार्गदर्शन मंडल में भेजेंगे, तब बैठे बैठे देखेंगे आप तब क्या करेंगे, नई पीढ़ी के नेता आएंगे तब ऐसी बात होगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, नई पीढ़ी मार्गदर्शन के लिए तो देखो बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का स्नेह, उनके अनुभव, नाम मार्गदर्शक था, वो हटाने की प्रक्रिया थी। वो कांग्रेस में भी जगन्नाथ पाड़िया जैसे लोग हैं, वो आज शीर्ष पर बैठते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनके अनुभव को शेयर करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस में बुजुर्गों को इस तरह दरकिनार करके, जिस तरीके से बीजेपी में किया, मैं कह रहा हूँ कि उस दिन मोदी जी का एक दिन नंबर आएगा। बीजेपी की बात तो आप नादिर शाही पार्टी है, केवल मात्र और नरेंद्र मोदी की पार्टी है, नरेंद्र मोदी। अच्छा, के बाद ये तो फरमान है, इसे तुगले की फरमान कह सकते हैं, बिल्कुल एंटी रोमियो हो, गाय की पूंछ पकड़ के धर्म हो, विकास की बात हो, ये तो धर्म है, और हिंदू से हिंदू को, मुसलमान से मुसलमान को, जातिगत राजनीति कर रहे हैं, और मंदिर इनका एक मोटो है। धारा 370 पर इन्होंने क्या किया आज तक कभी चर्चा नहीं की, 370 पर भूल गए, ये तो 370 को मैनिफेस्टो में था इनके जी जी। अच्छा एक चीज और भी, जिन जिन विधेयकों को, जिन जिन कानूनों बिलों को आपकी पार्टी ने लाने की कोशिश की, जैसे GST हो, FDI का हो, उनको उस समय विरोध किया, संसद ने चलने दी, बाहर आके बैठ गए, उन्हीं को एक दूसरे कलेवर में पेश करके, वो भी ज्यादा मतलब कि दुखदायी रूप में। FDI पर आपको ज्ञात होगा कि इन्होंने रात रात भर बहस की थी, कांग्रेस ने संसद में इसको रखा, इन्होंने उसको भरपूर विरोध किया और उसको 100% भी कर दिया बाद में लोगों ने, बाद में 100% कर दिया, और उस समय संसद चलने नहीं दी थी। ये तो वो लोग हैं जो वक्त के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते हैं। अच्छा राजनीति में क्या होता है, बातों का महत्व होता है, वजन होता है, ये तो एक पैर उठाते हैं, तीन पैर पीछे खींच सकते हैं, कहते हैं जुमलेबाजी है, तो इनके पास तो केवल केवल जुमलेबाजी है। आपने ठीक कहा, जुमलेबाजी के अलावा नरेंद्र भाई के पास है क्या जी जी। ये तो एक शब्द को पकड़ लेते हैं, केवल लक्ष्यदार भाषण है इसके पास, केवल 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 जी जी। क्योंकि विकास की स्थिति में देखें तो अभी भी वही हालत है, विकास कहाँ है। अच्छा एक नए नए संगठन खड़े कर लिए लोगों ने, पता नहीं कैसे कैसे संगठन है कि जो सिर्फ उनका काम ही है कि मारा पीटी करो। आज अगर मैं अपने कई बार कहता हूँ अपने इंटरव्यू में कि एक गाय एक दूसरी जगह से ले जाना चाहूँ, तो मुझे भय रहेगा कि पता नहीं कौन मिल जाए पकड़ के कूटे। आज क्या स्थिति है,
शहरों में देखो आप चाहे गांव में देखो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं इन पशुओं से, आवारा पशुओं से। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई इनके माध्यम से पैदा हुई है और ये लोग भयंकर रूप से और इसी को लेकर के प्रयास रहते हैं कि गाय के नाम पर हम राजनीति करते रहे और हम इस तरह करें कि आम आदमी जो है वो प्रताड़ित हो। अभी जैसे फतेहपुर में देखा हमने, युवा सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमें सिर्फ मिलना है और विज्ञापन देना है, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, जैसे कि सीकर में जैसे कि गुंडे लफंगे वगैरह वगैरह सीएम ने कहा सीकर में, तो युवा तो हमारे जो है भावी जो है कर्णधार हैं और अगर वो थोड़ी बहुत होती भी उनसे तो उनसे समझाइश बात की जा सकती है, लेकिन पूरे पूरे युवाओं को अगर आप ऐसा आज युवा दुखी है, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। तीन साल में राजस्थान की बात करूं मैं तो कि राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी जी, और युवा जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं जी, जी। आज शिक्षकों को हाईकोर्ट में अटका दिया, पटवारी भर्ती पड़ी है 2013 की एलडीसी की भर्ती आज तक पेंडिंग पड़ी है, आरएएस का रिजल्ट नहीं दे पाएगी तो समय पर और रिजल्ट दे दिया तो उनको नौकरी नहीं पाई। एक चीज और मैंने नोट किया क्योंकि मैंने अभी हाल फिलहाल कुछ साक्षात्कार लिया, उसमें पता चला कि कांग्रेस से सिर्फ एक नाम उभर कर आता है, डोटासरा जी। बीजेपी में 30 आदमी, पहले मैं 20 सोच रहा था, सोच रहा हूँ 30 आदमी पार्टी में दावेदार हैं, अब उनमें अपना वो एकापन नहीं है, जबकि यहाँ कांग्रेस में सिर्फ विश्वास है। ठीक है, डोटासरा जी कांग्रेस में तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है, केवल मात्र वो लोग आते हैं जो विकास के प्रति समर्पित है, समर्पित है क्षेत्र के प्रति समर्पित है और उस कार्यकर्ता को मान और सम्मान भी मिलता है जो कांग्रेस के प्रति डेडिकेशन रखता है। एक बात है, आप राजनीति में सक्रिय तो अब परिवार का कैसा सहयोग है, क्योंकि परिवार वाले कई बार कहते हैं जी ये तो कई लोग कहते हैं बैठे बैठे काम है, फालतू है, किसी घर में कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं, मेरे घर में ऐसा कोई वातावरण नहीं है, चूंकि मैं शुरू से ही सक्रिय रहा हूँ अपने जीवन काल में, तो मेरे बच्चों को भी इस वातावरण में और अपने आप को ढाल रखा है। तो अपने यहाँ जैसे कि वसुंधरा सरकार आई है, अब कई को लगता है कि दोबारा नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने फैसले लिए, जिस तरीके से लाठियां बरसाई हैं और जिस तरीके से राज चलाया है और जिस तरीके से लोगों की सुनते नहीं है, और ऐसा लगता है कि हम वो कुलीन वर्ग से, जैसे पुराने जमाने सामंत वर्ग उसको फेस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो आपको नहीं लगता कि जनता कुछ उब सी गई है? जनता बिल्कुल उबी हुई है। राजस्थान में तो ये स्थिति है कि जो सामंती लोग थे जिनको जनता ने दरकिनार कर दिया और आज वही लोग वापिस सत्ता में है, और जो रजवाड़े राजे रजवाड़े जिनको हम कहें वही रजवाड़े। एक ये जो पीपीपी मोड है इससे हर आदमी दुखी है, चाहे भले अध्यापक हो। सरकार केवल धन्ना सेठों को और अपने चहेतों को खुश करने की प्रवृत्ति में लीन है और वसुंधरा जी तो विशेष रूप से लीन है पीपीपी मोड पे। आज ये जो मोड ला रही हैं उसमें बेरोजगारी बढ़ने का अंदेशा हो गया। स्कूलों को यदि पीपीपी मोड पे दे दिया तो 30,000 शिक्षक तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे और फिर ये नया रोजगार कहाँ से देंगे। ऐसी स्थिति में पीपीपी मोड का जगह जगह विरोध हो रहा है। आप देख रहे हो कि फतेहपुर में, लक्ष्मणगढ़ में, सीकर में 35 स्कूल हैं सीकर जिले में, और ये सबको सब कुछ को टोल के हवाले कर दिया। टोल जैसा कुछ लगता है आपको, दिखता है सब व्यवसायीकरण कर दिया इन्होंने। सड़कें जो बन रही है ये सारी की सारी केंद्र सरकार की गडकरी जी की पॉलिसी है और सभी इसके लिए प्रयत्नशील है। 1 किलोमीटर में एक व्यक्ति को जैसे देना पड़ता है। अब जैसे लाठीचार्ज हुआ तो ये जैसे शिक्षा का महाविद्यालय की बात है, चिकित्सा की बात है, ये तो एक बेसिक ये कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जब ये सरकार में आए सुराज संकल्प यात्रा के दौरान इन्होंने जगह जगह और ये अपने भाषणों में कहा है कि हर लोग विधानसभा क्षेत्र में और उपखंड पर एक सरकारी कॉलेज का खोला जाएगा, सरकारी कॉलेज संचालित होगी। लेकिन अब कहीं भी नहीं खोली कहीं भी, ये तो दुर्भाग्य है ना, दुर्भाग्य वादा खिलाफी कहेंगे, वादा खिलाफी है, सरासर वादा खिलाफी है। तो आप इस अभी संगठन के संगठन को जो ग्रामीण स्तर में और फैलाने की बात है और जमीनी स्तर पर उसको मजबूत करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, बताएं? हमारा शहरों में विधायक आपके द्वार अभियान चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से और करीब करीब हमारे विधायक के माध्यम से हमने सारे वार्डों को कवर कर लिया है जी जी। और अगले 3 तारीख से, 3 नए साल में 3 तारीख से जी हम विधायक आपके द्वार और बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है हमारा जी उसको जी प्रोग्राम के माध्यम से जोड़ रहे हैं और हम मेरा बूथ मेरा मेरा बूथ मेरा प्रोग्राम जो है उसको हम 3
तारीख से पहला हमारा कार्यक्रम वो शंखु में होगा और हम उससे शुरू करते हैं हमारे विधायक के माध्यम से। जी जी जी, तो एक अंतिम छोटा सवाल पूछूंगा जी सारगर्भित, आप अपनी जीत के प्रति कितने आसान हुए थे? शत प्रतिशत हम अपने काम से आश्वस्त हैं, हमने काम किया है इस विधानसभा क्षेत्र में और इतने काम किए हमारे विधायक, विपक्ष में रहते हैं जागरूक विधायक है, मैं उनकी जागरूकता के प्रति और अपने आप को धन्य समझता हूँ कि ऐसा विधायक लक्ष्मणगढ़ के विधानसभा क्षेत्र को मिला है, यहाँ के लोगों को मिला है, यहाँ के लोग वास्तव में भाग्यशाली है कि ऐसा जागरूक और गतिशील अपने आप को रखने वाले विधायक। छोटा सा अंतिम सवाल है दो लाइन का कि एक अपने युवाओं के नाम संदेश। मेरा युवाओं से ही कहना है कि एक युवा विधायक उनको मिला है, युवा साथी उनको मिला है, वो उनके प्रति समर्पित है, विश्वास है तो उनके प्रति वो समर्पित रहे और सदैव वो उनके प्रति जागरूक रहे। ये जो सवाल पर सवाल उपज ही आते हैं, हालांकि समय कमी थी भी पूछूंगा, ये जो किसानों की जो है कर्ज माफी, पूर्ण कर्ज माफी थी, ये के लॉलीपॉप सा था ना? कर्ज माफी सरकार देना ही नहीं चाह रही, हमने आंदोलन किए जी जी और रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ, सीकर में जो कृषि मंडी में कॉरिडोर के माध्यम से आंदोलन हुआ, सरकार ने समझौता किया जी जी। आज तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया और हवाई बातें हो रही है केवल, और हम यदि सत्ता में आए तो हम निश्चित रूप से इसको पूर्ण रूप से, हमने पहले भी किया है केंद्र सरकार में और हमने मनमोहन सिंह जी की सरकार में, यूपीए की सरकार में हमने किसानों के कर्जे की माफी की है और फिर हम विश्वास दिलाते हैं किसानों को यदि हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से हम किसानों का पूर्ण ऋण माफ करेंगे जी जी। ऐसा हमारा मानना है और हम विश्वास के साथ कहते हैं किसान इस बार इस सरकार को नाको चने चबाते हुए सत्ता को परिवर्तित करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है पांडे जी, आपके तेवर वो के वो है जो आप शायद आपके बचपन में रहे होंगे और वो ही अपने कड़काई से जो है साक्षात्कार दिया है और बहुत ही अपनी बातें सफाई के साथ रखी हैं। उम्मीद करता हूं कि जो युवा मतदाता हैं और प्रभावित होंगे आपके काम को समझेंगे और शायद भगवान ने चाहा तो जी ऐसा ही मेरा विश्वास है। साक्षात्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रति, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।